हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास सिक्स मैथमेटिक्स. इट इज़ स्किल ड्रिल मैथ्स एक्सरसाइज 1.4. क्वेश्चन नंबर टू इज राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल. जैसा मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल काउंटिंग होती है इसे हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल बोलते हैं और ये रोमन न्यूमरल है. क्वेश्चन नंबर वन में हमने हिंदू अरेबिक को रोमन में बनाया था. क्वेश्चन नंबर टू में हमें रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल में चेंज करना है. तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट है हमारे पास एक्स एक्स वी, 10 प्लस 10 प्लस. आपको कैसे चेंज करना है वो भी मैं सिखा देती हूँ अगर आप डायरेक्ट लर्न नहीं करते हैं. एक्स होता है 10, फिर एक्स 10 और वी होता है 5, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 25. 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25. नेक्स्ट इज एक्स एक्स एक्स, 10 10 10. आपको क्या लिखना है, 30. अगर आपको ऐसे नहीं यूज़ करना है तो मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने 1 से 100 तक के रोमन नंबर्स आपको बताए हैं किस तरह से लिखे जाते हैं. आप वो सीख लीजिए. आप वो सीख लेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा. आप खुद सारे रोमन नंबर हिंदू अरेबिक न्यूमरल में चेंज कर लेंगे. नेक्स्ट हमारा है एक्स 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 आई वी, 10 प्लस 10 प्लस 10. आई वी होता है 4, इट मीन्स इट इज़ 34. नेक्स्ट इज एक्स एक्स वी आई आई, एक्स मीन्स 10, अगेन एक्स मीन्स 10, 5 प्लस 2, वी 5 और 2, तो ये हो रहा है हमारा 10 प्लस 10 20 और 5 प्लस 2 7 27. आई होप आपको समझ में आ रही है प्रोसेस किस तरह से आपको रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना है. यहाँ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, आई एक्स मीन्स होता है 9, तो इसे हम लिखेंगे 39. जिस तरह से मैंने आपको ई तक सॉल्व करना सिखाया है, मैंने क्वेश्चन नंबर ई तक आपके लिए सॉल्व किया है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एफ जी एच और आई आप अपनी होमवर्क कॉपी में कर लीजिए. और ये सारे नंबर आपको अच्छे से इस तरह से एक्सपांड करके उनको नॉर्मल नंबर्स में लिख के फिर ऐड करना है. डायरेक्ट ना लिखें, इस तरह से लिखेंगे तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस तरह से लिखने में तो एक बार 1 से 100 तक के रोमन नंबर का आप वीडियो फिर से देख लीजिए. आपको जब तक उस वीडियो की प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आप 1 से 100 तक रोमन नंबर बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको एक्सरसाइज 1.5 बहुत टफ लगेगी. लेकिन जैसे ही आप 1 से 100 तक के रोमन नंबर बनाना सीख लेंगे, एक्सरसाइज 1.4 आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी क्योंकि सारे नंबर आपको समझ में आ जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. आप तब तक अपनी CW कंप्लीट कर लीजिए टिल क्वेश्चन नंबर 2. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.